नमस्कार, मैं सुनील गौतम, गौतम कोर्स सेंटर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं टूटते हुए तारे के बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में। आखिर टूटता हुआ तारा है क्या? अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, जब आप रात को टूटते हुए तारे अक्सर देखते हैं तो आपने जरूर कभी न कभी विश भी मांगी होगी। अब वो पूरी होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम टूटता हुआ तारा देखते हैं तो अक्सर विश भी मांगते हैं। तो देखिए होता क्या है, हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है और 8 ग्रह हैं। दोस्तों, ये जो टूटते हुए तारे हैं एक्चुअली में ये है क्या? देखिए, मार्स, मंगल और जुपिटर, बृहस्पति, इनकी कक्षाओं के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, शुद्र ग्रह पट्टी। इस शुद्र ग्रह पट्टी में लाखों की संख्या में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। अब ये एस्टेरॉयड है क्या? एक तरह से ये चट्टान ही है, ठीक है जी। जब हमारा सौरमंडल बना था तो ग्रह बने और जो अवशेष बचे उन्हीं को कहते हैं हम एस्टेरॉयड, शुद्र ग्रह। और ये शुद्र ग्रह बाकी जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, उनकी तरह ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं करोड़ों साल से। तो पहले बात आप ये समझ लीजिए, अब जब ये मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले शुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कई बार ऐसा होता है ये आपस में टकरा जाते हैं, और मार्स की ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एस्टेरॉयड मंगल की तरफ खींच जाते हैं, मंगल इनको अपनी तरफ खींच लेता है ग्रेविटी के कारण। तो दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, तो ये मंगल की तरफ आकर्षित होते हैं और ये मंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि सब घूम रहे हैं, सारे ग्रह घूम ही रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि मंगल जैसे ऊपर निकल गया घूमते घूमते और ये एस्टेरॉयड सीधे पृथ्वी की तरफ आते हैं। जब ये एस्टेरॉयड अपनी बेल्ट से, अपनी पट्टी से निकल जाते हैं तो इनको बोलते हैं उल्कापिंड, मीटियोराइट। एस्टेरॉयड जब अपनी बेल्ट से निकल जाते हैं मंगल की ग्रेविटी के कारण, तो इनको बोलते हैं मीटियोराइट, उल्कापिंड, ठीक है जी। और जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हमें मीटियोर, उल्का। जैसे ही उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, जहां पर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इनको अपोज करता है। जैसे उल्का आ रहा है तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको अपोज करेगा, तो जैसे ही घर्षण पैदा होगा तो उल्का में आग लग जाएगी। और दोस्तों, जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा तो ये आग लगा हुआ उल्का ही हमें दिखता है, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, मान लीजिए ये उल्का काफी बड़ा है तो संभावना ये बन जाती है कि पृथ्वी पर गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, जब इसमें आग लगेगी तो इसका काफी साइज जल चुका होगा। जब ये उल्का जिस साइज में आया था उस साइज का तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें आग लग चुकी थी, ठीक है जी, वो डिक्रीज हो जाएगा। संभावना ये बनती है कि ये पृथ्वी पर गिरेगा ही गिरेगा। अगर मान लीजिए उल्का छोटा है और उसमें आग लग गई तो वह एक तरह से खत्म हो जाता है जल के, लेकिन अगर उल्का बड़ा है तो ये पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसको बोलते हैं हम मीटियोराइट, मीटियोराइट। अब मीटियोराइट को भी हिंदी में उल्कापिंड ही बोल देते हैं, ठीक है जी, इसको भी उल्कापिंड ही बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी पर अक्सर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनका साइज ये छोटे भी हो सकते हैं और कई कई किलोमीटर तक चौड़े भी हो सकते हैं। इनके इफेक्ट के बारे में जान लीजिए, करोड़ों साल पहले डायनासोर जो इस धरती पर पाए जाते थे, इन्हीं एस्टेरॉयड के कारण उनका जीवन खत्म हो गया, वो डायनासोर ही खत्म हो गई, इतना जबरदस्त इफेक्ट है इन आपके एस्टेरॉयड का। और इनके कारण कई बार धरती पर गहरे गड्ढे भी बन जाते हैं। आपने लोनार लेक सुनी होगी जो कि महाराष्ट्र में है, आजकल वो एक झील है, लोनार लेक भी इन्हीं एस्टेरॉयड के कारण बनी है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, इसमें लाखों की संख्या में चट्टान के टुकड़े हैं, एस्टेरॉयड है, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, जब ये कक्षाओं में घूम रहे थे, मार्स और जुपिटर के बीच में जो कक्षा है, बेल्ट है, ठीक है जी,
एस्टेरॉयड बेल्ट। जब तक ये इस बेल्ट में थे इनको बोला गया एस्टेरॉयड। जब ये अपनी कक्षा से ग्रेविटी के कारण बाहर निकले, मार्स की ग्रेविटी के कारण बाहर निकले, तो इनको बोला गया उल्कापिंड मीटियोराइट। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं मीटियोर उल्का, और जब ये धरती पर गिर जाते हैं तब इनको बोला जाएगा मीटियोराइट। हिंदी में अनुवाद इसका उल्कापिंड है, क्योंकि लगभग जो न्यूज एजेंसी है वो उल्कापिंड बोलती है, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलेंगे मीटियोराइट। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मून पर जो गहरे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं वो भी इन एस्टेरॉयड के कारण है। लेकिन फर्क एक है, हमारे जो हमारी धरती है इसका एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन चांद पर क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये सीधे चांद पर गिर जाते हैं। इनको कोई रोकने वाला वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए चांद पर लाखों की संख्या में गड्ढे पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टूटते हुए तारे हैं क्या, जिनको देखकर हम विश मांगते हैं, या फिर कह लीजिए शूटिंग स्टार है क्या। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।